नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइन सितार में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी तीन वीडियोस देखी हुई हैं, जिसमें हमने आपको सितार का बेसिक्स और एक वीडियो में आपको हमने सारे जहाँ से अच्छा बजा कर दिखाया और सिखाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक का सबसे बेसिक राग है यमन, उसके बारे में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस हैं उनको फॉरवर्ड नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हम इस प्रकार से आगे कार्य करते रहेंगे। क्योंकि ये जो माध्यम है हमारा सितार, ये बहुत प्राचीन परम्परा है हमारी और हमारा एक छोटा सा प्रयास है इसको कि हम इसको जीवित रखें। तो दोस्तों, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं राग यमन। तो यमन जो राग है भारत का सबसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक का सबसे बेसिक राग है, पहला राग है, सबसे पहले यही राग सिखाया जाता है। तो मैंने सोचा आपको भी यही राग सिखाया जाए। तो जो ये राग है, इसमें सारे स्वर लगते हैं, पर इसमें जो मा लगता है, मध्यम लगता है, वो तीव्र लगता है। कैसे? ये सात स्वर होते हैं, लेकिन इसमें जो मा लगता है वो तीव्र लगता है। कैसे? तो आपने देखा किस प्रकार से मैंने ये वाला मा लगाया, यानी कि तीव्र मा। मैंने ये वाला मा नहीं लगाया, मैंने तीव्र मा लगाया। तो सबसे पहले आपको जो इस राग के जो आरोह अवरोह हैं, आरोह अवरोह यानी कि ये पहले अच्छी तरह से करने हैं। और जब आप इस आरोह अवरोह को अच्छी तरह से कर लेंगे, आपके हाथ में एक बेस तैयार हो जाएगा, फिर आप आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें छोटी सी गत सिखाता हूँ, जो कि तीन ताल यानी कि 16 बीट्स में निबद्ध है। देखिए, मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक तबला चालू किया है, आप देख सकते हैं। इसमें पहले आपको जाकर दिखाता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूं कि इस राग में स्वर विस्तार किस प्रकार से होता है। देखिए, इसका मुख्य आरोह है या यमन का। अब स्वर विस्तार करना हो आपको, तो इस प्रकार से आप राग यमन का स्वर विस्तार भी कर सकते हैं। ये थोड़ी बात की चीज़ है, तो आप इसको देखिए। लेकिन पहले आप जो इसका आरोह अवरोह उसको तैयार कीजिए, इसके बंदिश को तैयार कीजिए। इसके बाद आपको जो अन्य स्टेप है वो मैं सिखाऊंगा। तो आज के लेसन में हम इतने करते हैं। आप उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा और आगे आपको आप हमारा वीडियोज़ देखते रहिए।
तो आगे आपको सारी संपूर्ण जानकारी सुधार की जो भी है आपको मिलेगी। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सीखना है, आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मेरा प्रयास रहेगा बताने का। तब तक के लिए धन्यवाद।